जापान ने बहुत सारी मुसीबतें देखी है, फिर चाहे वह तानाशाह का शासन हो, एटॉमिक बॉम्ब का संकट हो, सुनामी या फिर बार बार आने वाले भूकंप। जापान इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे हर चुनौतियों का सामना करके वो आज सफल देशों की गिनती में खड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशीष जालवी, आपका डेस्टिनी डॉक्टर, और मैं आपके हर सपने को साकार करने में आपका मदद करूंगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो क्या बात है जो इस देश और इसके लोगों को दूसरों से अलग करती है। तो अंत तक बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं आपको जापान देश की सफलता का ऐसी एक राज बताने वाला हूँ। जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा, जहाँ पर रहने वाले लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, और वहाँ 80 से 90 साल की उम्र वाले लोग भी हर रोज खुशी खुशी उठकर अपना काम करते हैं और मरते दम तक रिटायर नहीं होते, और किसी का भी हेल्प नहीं लेते। जो उठने के लिए किसी का हाथ पकड़े, लकड़ी चाहिए, एकदम सीधा उठ के चलते रहते हैं। हम तो 50-60 साल में सोचते हैं, अरे बाप रे, इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे लंबी, अच्छी और खुशहाल लाइफ जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग जीते हैं, क्योंकि वह लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है इकीगाई, इकीगाई, यानी कि जीने की वजह या पर्पस ऑफ लाइफ। आमतौर पर ज्यादातर लोग को पर्पस ऑफ लाइफ क्या है पता ही नहीं होता। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त आप सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं, समय को भूलकर उस काम में पूरा डूब जाते हैं, सभी समस्याओं को भूल जाते हैं। जैसे हम लोग कभी गेम्स खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, ताश खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, तो बहुत समस्याएं भूल जाते हैं। तो ऐसा काम करते वक्त भी कौन सा चीज़ है जो करते वक्त आप सब कुछ भूल जाते हैं और इन्जॉय करते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इकीगाई की खोज है। जापानी लोग मानते हैं कि आप किसी न किसी खास उद्देश्य के लिए जन्म लेते हैं, और वह उद्देश्य ही आपका इकीगाई होता है। अगर आप आपके उद्देश्य के अलावा कोई भी काम करते हैं तो आपको मजा नहीं आएगा। कोई कोई नौकरी भी करता है, उसका कुछ इंजॉयमेंट नहीं है, लेकिन पैसे के लिए मजबूरी में करना पड़ता है, तो वो इकीगाई नहीं हो गया। आप हमेशा तनाव में रहेंगे और आपका दिमाग हर वक्त आपके उस उद्देश्य की तलाश में ही लगा रहेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस जापानीज फॉर्मूला को यूज करके अपनी इकीगाई को ढूंढ सकते हैं। आपका इकीगाई चार चीजों पर आधारित है। पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन प्लस मिशन इज इक्वल टू इकीगाई। तो नंबर एक है पैशन, काम से प्यार प्लस करने में निपुण, उसे कहते हैं पैशन। ऐसा काम जिससे आप प्यार करते हैं और जिसे करने में आप माहिर है, इन दोनों को मिला देते हो तो बनता है पैशन। अब पॉइंट दूसरा है प्रोफेशन। जब आप वो काम जिसे करने में आप माहिर है, जिसको करने के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे, उन दोनों को मिला देते हो तो बनता है प्रोफेशन। नंबर तीन है वोकेशन, काम के पैसे प्लस दुनिया को जरूरत, उसे कहते हैं वोकेशन, पेशा। जब आप वो काम जिसे करने से आपको पैसे मिलते हैं और दुनिया को उस काम की जरूरत भी है, तो इन दोनों को मिला देते हैं तो वो बनता है वोकेशन। नंबर चार है मिशन, दुनिया को जरूरत प्लस काम से प्यार, दैट इज इक्वल टू मिशन। जब आप वो काम जिसकी दुनिया को बहुत जरूरत है और उस काम से आप प्यार भी करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है आपका मिशन। आखिरी में जब आप चारों पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन को मिला देते हैं तो बनता है इकीगाई, IKIGAI, इकीगाई। जब भी आप कोई कार्य करें तो अपने आप से हमेशा पूछे कि क्या वो काम करना आपको अच्छा लगता है, क्या वो काम करने में आप माहिर है, क्या वो काम आपको अच्छा पैसा देगा, और क्या उस काम की दुनिया को जरूरत है। जैसे कि आपने पढ़ाई पूरी कर ली और पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, तो वो हो गया आपका पैशन। अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं और उससे आपको पैसे भी मिलने लगते हैं, तो पढ़ाना हो गया आपका प्रोफेशन।
और आजकल तो ये पढ़ाने के प्रोफेशन में इतने पैसे हैं, लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। तो मेरा भी सजेशन है, आप ऑनलाइन एजुकेशन के फील्ड में आ जाइए अगर आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट है। तो आपका वोकेशन यानी आपने पढ़ाना शुरू किया और आपके आसपास के लोगों को टीचर की ज़रूरत है, तो ये काम हो गया आपके लिए वोकेशन यानी बिजनेस, जो मैंने आपको समझाया। लास्ट में आपको आपका मिशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज की दुनिया को जरूरत है और वही आपका फेवरेट वर्क हो तो वह वर्क करने की का रीजन ही आपका मिशन बन जाएगा। यानी वो काम जो आपको पसंद हो, जिसमें आप अच्छे भी हो, जिससे आपको पैसे मिले और जिस काम की दुनिया को जरूरत भी हो। जब यह चारों चीजों से आप सेटिस्फाइड होंगे तभी आप एक लंबी वाली सफल जिंदगी जी पाएंगे। इकिगाई के 10 नियम हैं, आइए उनको जानते हैं। नंबर 1, हमेशा काम करते रहे और कभी भी रिटायरमेंट ना ले। अक्सर हम लोग सब रिटायरमेंट 50 साल के बाद ही रिटायरमेंट के सोचने लगते हैं, तो वो गलत है, कभी मत सोचे रिटायरमेंट का। जापानी लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य इतना प्यारा होता है कि उनके यहाँ रिटायरमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं होती। उन्हें लगता है कि जो लोग अपना पसंदीदा काम करना बंद कर देते हैं वे अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं। इसलिए आपको जो चीजें करना अच्छा लगता है उसे करते रहिए, सेल्फ डेवलपमेंट करते रहिए, दूसरों के काम में आने वाली चीजों का निर्माण करते रहिए। कहते हैं ना, आप जिधर पेन पॉइंट ढूंढेंगे आपको गेन मिलेगा वहां पर। आजकल लोगों को तो इतना पेन पॉइंट है, तो बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, वो आप ढूंढिए और अपना प्रोफेशन बनाइए। और रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी कुछ ना कुछ काम करते रहिए। रिटायरमेंट के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिससे आप इनकम भी कर सकते हो, अपने टाइम भी गुजार सकते हो, तो ज़रा आई बटन दबाकर देख लीजिए, इधर होगा। जल्दबाजी ना करें, सदा भागदौड़ और जल्दबाजी वाला जीवन लंबी आयु के लिए हानिकारक होता है। जब हम बिना वजह की जाने वाली जल्दबाजी को पीछे छोड़ देते हैं तो आने वाला समय हमारे जीवन को नया अर्थ देता है। पेट भर ना खाए, लंबी आयु तक जीना है तो कम खाए, पेट भर खाने से अच्छा कि अपनी क्षमता का 80% ही खाना खाए। कुछ लोग शायद इस बात से सहमत ना हो, लेकिन किसी भी चीज की अति में नहीं जाना चाहिए। कितना खाते हैं इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या खाते हैं। इसलिए आप जो भी चीज़ खा रहे हैं वह पौष्टिक होना ज़रूरी है। ज़्यादा खाना खाने से आलस आने का चांस बढ़ता है। हमारे शरीर की सारी एनर्जी खाना पचाने में लग जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए आप अपने पेट को 80% तक ही भरे। हमारे यहाँ तो जब तक ढकार नहीं आते उसे कहते हैं लंच या डिनर नहीं हुआ। नंबर 4, अच्छा मित्र और परिवार। दोस्तों जैसी अच्छी कोई दवाई नहीं है। चिंता को भगाने के लिए आप दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ गपशप करें और एक दूसरे से बातचीत करें, सलाह ले और सलाह दे, जितना हो सके मजे करें, बड़ा सपना देखे और खुलकर जीवन जिए। नंबर 5, अपने अगले जन्मदिन तक और ज्यादा तंदुरुस्त बने। जब पानी बहता रहता है तभी वह स्वच्छ और निर्मल होता है, और जब वह रुक जाता है तो खराब हो जाता है। इसी तरह से जीवन अगर तंदुरुस्त बनाना है तो शरीर को भी सदा कार्यरत यानी एक्टिव रखना होगा। व्यायाम की वजह से हमारे शरीर में खुश रहने के लिए आवश्यक हॉर्मोन्स तैयार होता है। इसीलिए डेली टाइम निकालकर हल्का फुल्का एक्सरसाइज जरूर करें, इससे आप सेहतमंद रहेंगे। थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, थोड़ा कुछ गेम्स खेलिए, घर पे ही कुछ योगा कर लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहिए, 5 मिनट ही सही। नंबर 6, मुस्कुराते रहिए। अगर आप हंसते मुस्कुराते जीवन जीते हैं तो आपके ज्यादा दोस्त बनेंगे और इससे आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। छोटी छोटी चीजों में भी आनंद ढूंढे, और एक बात हमेशा याद रखे कि वर्तमान में जीना ही असली खुशी देता है। नंबर 7, कुदरत के साथ जुड़े रहना। आज के युग में भले ही लोग शहर में रहते हो, फिर भी नेचर के साथ रहना हमें बड़ा आनंद देता है। इसलिए बीच बीच में
कुदरत के साथ रहकर अपने आप को एक्टिवेट करते रहे। आपको जब भी प्रकृति के साथ रहने का अवसर मिले तो उस अवसर को हाथ से जाने न दे, और साल में एक या दो बार ऐसे जगहों पर जाए जहाँ जाना आपको पसंद है, जहाँ आपको शांति मिलती है। धन्यवाद देना सीखे, यानी ग्रैटिट्यूड देना सीखे। आपके अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना न भूले। आपके परिवार और दोस्तों ने आपको जीवन जीने की, इसे खूबसूरत बनाने की शक्ति दी है। उन्हें दिन में कम से कम एक बार धन्यवाद दे। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि खुशी की तिजोरी दिन बर दिन भरती जा रही है, भरती जा रही है। नंबर 9, वर्तमान में जिए। भूतकाल के बारे में दुख करना और भविष्य की चिंता करना छोड़ दे। हमारे पास सिर्फ वर्तमान है, ओनली प्रेजेंट टेंस। उसका सबसे ज्यादा फायदा ले और उस पल को अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाए, ना भूलने वाली एक्सपीरियंस हर पल को। नंबर 10, अपने इकिगाई के हिसाब से जीवन जिए। हम सभी के अंदर एक प्रेरणा छुपी हुई होती है। हम में से कभी के पास कुछ ना कुछ विशेष चीज या गुण होते हैं, और वह चीज जीवन के अंत तक आपको प्रेरित करती रहती है। अगर आपको अपना इकिगाई पता ना हो तो इसे ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिए। अगर एक बार आप अपने इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो फिर आपका काम आपको काम नहीं लगेगा, बल्कि मनोरंजन का साधन लगेगा। ऐसा लगेगा आप जैसे क्रिकेट मैच में मजा लेते हैं, फिल्म में मजा लेते हैं, तो काम में भी ऐसा लगेगा जो एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है। जब आप अपना इकिगाई ढूंढ लेंगे तो आप एक फ्लो में काम करने लगेंगे। कोई आजू बाजू क्या बात कर रहे हैं वो भी आपको सुनाई नहीं देगा, आप अपने काम में ही डूबे रहेंगे और वो काम का फल आपको जरूर मिलेगा। फ्लो का मतलब होता है ऐसी अवस्था जिसमें हम आनंदी और उत्साहित जीवन जीते हैं और तन मन खोकर उस कार्य में जुट जाते हैं। सबसे बड़ा इकिगाई को मानकर जीने वाले उदाहरण है हमारे महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी, जो आज भी इस उम्र में काम कर रहे हैं जो आज के यंग स्टार्स भी नहीं कर पाते हैं, और उनको इतने काम मिलते हैं क्योंकि उसका जो पर्सनैलिटी उन्होंने रीइन्वेंट किया है, जो यंग स्टार्स को भी टक्कर दे रहे हैं, सब डायरेक्टर उनके पीछे पड़े हैं क्योंकि उनको इकिगाई मिल गया है। उनके हिसाब से अब वो इंजॉय कर रहे हैं उसका पैशन को, वोकेशन, ये चारों स्टेप को मान रहे हैं। तो दोस्तों, आज से ही आप अपना इकिगाई ढूंढिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए, फिर देखिए आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो को अंत तक देखा है तो समझ लीजिए आपको आपका इकिगाई मिल गया है और आपको सक्सेसफुल लाइफ जीने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।